हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हमारा टॉपिक है फूड फॉर हेल्थ। मनुष्य समाज में मनुष्य का चार एक्टिविटी को आधार को लेकर मनुष्य समाज में मानव का सभ्य होना और सभ्य नहीं होना इसका निर्णय किया जाता है। तो मनुष्य सभ्य है या असभ्य है ये चार चीज से पता चलता है। इसको गीता में भगवान कहते हैं आहार यज्ञ तप दान। फूड किस प्रकार हम खाना खाते हैं और किस प्रकार की यज्ञ करते हैं और किस प्रकार की तपस्या करते हैं और दान किस प्रकार करते हैं इसके आधार पर एक सभ्य समाज का निरूपण होता है। तो मनुष्य समाज जब ये पशु से अलग होता है जब ये चार चीज मनुष्य करते हैं सभ्य आहार यज्ञ दान और तप। जो जीवात्मा है इस संसार में प्रकृति के प्रभाव से जी रहा है, भगवान के अभाव से जीता है और प्रकृति के प्रभाव से जीता है। तो जीवात्मा जब वो अपना प्रभाव को दिखाना चाहता है और भगवान का प्रभाव से जीने की इच्छा नहीं करता है जीवात्मा ये भौतिक प्रभाव में आता है, तीन गुण के प्रभाव में आता है और उसके अनुसार जीता है। तो ये तीन गुण का प्रभाव जो है इस संसार में जीवात्मा का शरीर से प्रकृति से दैव से हम देख सकते हैं। जीवात्मा इस संसार में जनरली शरीर और मन का प्रभाव से जीता है, समाज का प्रभाव से जीता है और प्रकृति का प्रभाव से जीता है। तो इस प्रकार जीवात्मा तीन सर्कल में जीता है। एक है अधि आत्मिक सर्कल, दूसरा अधि भौतिक सर्कल, तीसरा अधि दैविक सर्कल। तो अधि आत्मिक सर्कल का अर्थ है मन और शरीर का प्रभाव से जीता। अधि भौतिक सर्कल का अर्थ है समाज का प्रभाव से जीना और अधि दैविक प्रभाव का अर्थ है प्रकृति के प्रभाव से जीना और दैव के प्रभाव से जीना। और हर व्यक्ति जनरली ये तीन सर्कल में जीते हैं। और व्यक्ति का जो तपस्या है अधि आत्मिक प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए। तो जीवात्मा जब तपस्या करता है शरीर इंद्रिय और मन को कंट्रोल में रखता है तब सुखी हो सकता है। तो उसमें आहार भी आता है क्योंकि आहार शरीर के लिए चाहिए और सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, स्वाद चाहिए। तो तपस्या में आहार आता है जो कि शरीर और मन को प्रभावित करता है और जीवात्मा चैरिटी करता है, दान करता है तो समाज कल्याण के लिए करता है, अन्य जीव के लिए, अन्य मनुष्य के लिए करता है। तो इसलिए दान का भी आवश्यकता है जो कि अधि भौतिक सर्कल को कंट्रोल करता है, अधि भौतिक सर्कल को मैनेज करता है। और यज्ञ करता है जिसके द्वारा वह देवताओं को प्रसन्न करता है, परिवेश का ध्यान रखता है। तो यज्ञ के द्वारा परिवेश एनवायरमेंट कंट्रोल में रहता है, शुद्ध रहता है और दान के द्वारा समाज में सौहार्द रहता है, हार्मोनी रहता है और तप के द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्यवान बनता है और मन का शांति प्राप्त करता है। तो गीता में भगवान 17वां अध्याय में आहार दान यज्ञ तप इसका डिटेल्स जनरली बताते हैं।
और किस प्रकार आहार तीन मूल में है, यज्ञ तप दान तीन मूल में है, इसका डिटेल्स भी बताते हैं। तो आज जनरल हम आहार देखेंगे तो किस प्रकार आहार तीन गुण में आता है और कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के आहार ग्रहण करता है उसके अनुसार हम जान पाएंगे वो व्यक्ति कौन सा गुण में है, सप्त गुण में है या रज गुण में है या तम गुण में है। तो पहला भगवान कहते हैं कि आहार इन सप्त गुण, फूड इन गुडनेस, वर्ष नंबर 8 में कहते हैं 17.8 मेरे पीछे आप लोग बोले आयु सत्व बल आरोग्य सुख वृद्धि विवर्धन रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय ट्रांसलेशन फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो सप्तगुण का आहार रहता है उसका कैरेक्टर क्या होता है और किस प्रकार आहार को हम सप्तगुण का आहार कहेंगे। तो जो आहार आयु को वर्धन करता है, मन को शुद्ध करता है, बल प्रदान करता है, रोग से दूर रखता है, सुख और संतोष प्रदान करता है, जिस आहार में रस है, स्निग्ध है, फैटी फैट्स है और एंड्यूरिंग है, लंबा समय तक रहता है और हृदय को शांत करता है, उस आहार को सप्तगुण का आहार कहा जाता है। और जो व्यक्ति सप्तगुण में रहते हैं इस प्रकार आहार को सिद्धली ग्रहण करते हैं खुशी से। तो ये वर्ष में आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ फूड इन आवर बॉडी और इफेक्ट ऑफ फूड इन गुडनेस ऑन आवर बॉडी। तो आयु बल आरोग्य ये जनरल हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है फूड। तो सप्तगुण का आहार लेते हैं तो आयु बढ़ता है। तो आजकल आयु कम होने का कारण है रजोगुण और तमोगुण का आहार अधिक लेते हैं। पहले लोग 100 साल जीते थे और धीरे धीरे आयु कम होते हुए अभी 60-70 ईयर तक आ गए। इसका मूल कारण है सप्तगुण का आहार लोग कम कर दिए। बल तो सप्तगुण का आहार बल देता है, रजोगुण और तमोगुण का आहार बल को क्षय करता है। इसीलिए आजकल हम संसार में देखेंगे स्ट्रेंथ भी कम हो गया। पहले जिस प्रकार लोगों के पास स्ट्रेंथ था आजकल उसी प्रकार का स्ट्रेंथ नहीं। तो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इस प्रकार हमने सुना कि 100-200 किलो का वजन का तलवार ढाल मुकुट पहन के युद्ध करते तो कितना शक्ति था सोचिए। तो उस प्रकार 300-200 किलो का ढाल तलवार मुकुट हम लोग पहन लेंगे तो वहां ही मर जाएंगे, युद्ध करने की जरूरत नहीं। ओके ना, उधर ही हमारा देहांत हो जाएगा। बल सप्तगुण का आहार से बना। तो शिवाजी महाराज सप्तगुण का आहार ग्रहण करते वेजिटेरियन, महाराणा प्रताप वेजिटेरियन और भीमसेन भी वेजिटेरियन ही थे। 10,000 हाथी का बल, तब सोचिए 10,000 हाथी का बल मतलब भीमसेन एक हाथ में एक हाथी को ऐसा पैर को पकड़ के ऐसा घुमा के फेंक सकता है। पालघर में फेंकेंगे तो मुंबई में जाके गिरे हाथी। तो ये बल है, 10,000 हाथी का बल उसको कहते हैं। अंडरस्टैंड। और भीमसेन मान लो ये छत के ऊपर आ गए तो ये छत गिर जाएगा, उनके भीतर इतना बल है, स्ट्रेंथ है। वो सप्तगुण का आहार जानता है आरोग्य, रोग से भी सप्तगुण का आहार हमें बचाता है। तो
आजकल अधिक रोग बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? सत्वगुण का आहार को हम ग्रहण नहीं कर रहे। तो सत्वगुण का आहार क्या है फिर? तो जनरली जो ग्रेन्स है, राइस, दाल, सब्जी और सीड का जो वेराइटी से, और उसके साथ साथ फल है, वेजिटेबल्स है, ये सत्वगुण का आहार है। तो इस प्रकार आहार हम ग्रहण करते हैं तो शरीर के उस शरीर के ऊपर इसका प्रभाव क्या है? आयु, बल, आरोग्य, ये तीन चीज पड़ता है। और आहार का प्रभाव मन के ऊपर भी रहता है, इफेक्ट ऑन कॉन्शियसनेस। तो यहां पर भगवान दो चीज बता रहे हैं, सत्व हृदय। सत्व मीन्स प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं प्यूरिफाई द कॉन्शियसनेस, चेतना को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है सत्व गुण का आहार, और हृदय को भी सैटिस्फाई करता है, सैटिस्फेक्शन देता है। तो वास्तव में आप सत्वगुण का आहार खाएंगे तो एक संतोष भी मिलेगा और मन भी सुख होगा। जो आहार है केवल शरीर को बल, आयु, आरोग्य, विटामिन्स नहीं देता है, मन को भी एक प्रकार की विचार देता है। तो सत्वगुण का आहार हम लेते हैं तो सत्वगुण का विचार आता है। और सत्वगुण आहार क्या है इस शास्त्र में डिटेल्स में वर्णन किया गया, और उसको किसे बनाना भी वो भी वर्णन किया गया। इसलिए भारत में जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके द्वारा जिस प्रकार के आहार बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है, वो ठीक है, वो सत्वगुण में आ जाए जनरल ट्रेडिशन, और उसको जनरल हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। मॉडर्न वे में जो आहार मिलता है और जिस प्रकार की बनाने की व्यवस्था भी है तो ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव में रहता है। तो सत्वगुण का आहार लेते हैं तो सत्वगुण का विचार आता है, त्याग का भावना, सत्य का आचरण करने की भावना आता है, त्याग की भावना आता है, क्षमा की भावना आता है, सहयोग की भावना आता है, एक लविंग मेंटेलिटी डेवलप होता है। ये सत्वगुण का आहार हम लेंगे तो होता है। तो आजकल अनेक प्रयास होता है प्रेम उत्पन्न करने के लिए, संबंध ठीक ठाक रखने के लिए, ओके ना, दया, क्षमा, इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन अधिकतर ये चीज क्या है? सत्वगुण का आहार के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए केवल हम शास्त्र ही सुनेंगे तो सत्वगुण का क्वालिटी नहीं बढ़ेगा। शास्त्र सुनने का अर्थ क्या है? शास्त्र में ही बताया गया सत्वगुण का आहार खाना, ग्रहण करना है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार कहा जाता है कि रजोगुण का आहार और तमोगुण का आहार हम लेते हैं जो शुक्र बनता है, वीर्य बनता है, वो रजोगुण और तमोगुण बनता है, और उसके द्वारा जो संतान प्राप्त होंगे वो रजोगुणी और तमोगुणी। इसलिए कलयुग में सब कुछ क्या है? खिचड़ी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कलयुग में धर्म का, शास्त्र का प्रभाव बहुत कम है। इसका मूल कारण है सत्वगुण का आहार हम ग्रहण नहीं करते। सत्वगुण का आहार एक सत्वगुणी व्यक्ति बनाएंगे तो ही खाना चाहिए। एक प्रकार की रजोगुणी का व्यक्ति जिसे कैटरर्स आजकल कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं या नहीं है पता नहीं, उनको देखने से पता चलता है कि वो नहाए ही नहीं 10-15 दिन से, ओके? तो उनके हाथ से आहार खाएंगे तो भी क्या है? वो सत्वगुण में नहीं आता है। तो इस प्रकार आहार के ऊपर अन्य की भावना, अन्य का प्योरिटी भी प्रभाव करता है। इसीलिए कलयुग में सब क्या है? प्रॉब्लम है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, तो आहार शुद्ध रहेगा तो सत्व एग्जिस्टेंस मन शुद्ध होगा, और मन एग्जिस्टेंस शुद्ध रहेगा तो बुद्धि शुद्ध होगा, और उस बुद्धि से हम परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा कर पाएंगे, वो इच्छा निर्माण होता है। तो आहार से परमात्मा को प्राप्ति करने की, आध्यात्मिक चीज प्रैक्टिस करने की इच्छा में निर्माण कहां से होता है? आहार से निर्माण होता है। इसलिए आहार सत्व में ग्रहण करना, सत्वगुण का आहार ग्रहण करना अत्यंत आवश्यकता है, मन का शुद्धि करने के लिए, शरीर का शुद्ध के लिए, और एक
तृप्ति प्राप्त करने के लिए और अच्छा संतान भी प्राप्त करने के लिए। मच्छी मटन खा खा कर वीर्य बनाए रहेगा, बचपन से करते हैं ना, और बाद में शादी होने के बाद प्रभु जी आपने बोला था 64 राउंड चैटिंग करके सब कुछ करना है, वो मैं फॉलो किया था, लेकिन तो देख रहा है एक राक्षस आ गया। तो मनुसंहिता में ये लिखा गया है कि वीर्य भी जो बनता है आहार के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए पहले हमारा वैदिक सिस्टम में आहार को अधिक ध्यान दिया जाता था। इसका कारण क्योंकि वो वीर्य निर्माण करता है और वीर्य संतान उत्पन्न करता है और संतान से समाज बनता है। तो वीर्य सुधरेगा तो संतान सुधरेंगे, संतान सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो शांति मिलेगी, परिवार में शांति प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमें सत्वगुण के आहार के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो आहार से हमारा विचार बनता है, तो आहार विहार से विचार बनता है, थॉट प्रोसेस आता है, और विचार से आचार होता है। आचार मतलब व्यवहार होता है, एक्शन होता है, कार्य होता है। तो इस प्रकार कहा जाता है संसार में आज तक सबको आचार अधिक पसंद है, और जो आतंकवादी रहते हैं उनको दुराचार अधिक पसंद, दुराचारी आचार। और जो पावरफुल पर्सनैलिटी बिजनेस मैन इन्फ्लुएंशियल रहते हैं उनको एक आचार पसंद है, वो क्या है, अत्याचार। और जो पॉलिटिशियंस रहते हैं उनको एक स्पेशल आचार पसंद है, भ्रष्टाचार। और साधारण व्यक्ति को सबसे बड़ा आचार पसंद है समाचार। जो साधु है उसको जो आचार पसंद है वो क्या है, सदाचार। लेकिन एक जन भ्रष्टाचारी, एक दुराचारी, एक अत्याचारी, इसका कारण क्या है, आहार। तो आहार से इस प्रकार की विचार आता है, दुराचार का विचार, अत्याचार का विचार और सदाचार का विचार आहार से आता है। इसलिए गवर्नमेंट अनेक प्रकार की लॉ बना रहे हैं लेकिन दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे, क्योंकि आहार को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ है ही नहीं, ये साइंस है। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल ये सब बढ़ता ही जा रहा है, जितना लॉ भी बन रहा है लोगों का भय नहीं, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब बढ़ रहा है। क्यों? हमारा जो आहार है वो ही भ्रष्ट है, आहार जो है भ्रष्ट है, सत्वगुण का आहार नहीं लेते। इसलिए आहार विहार से विचार आता है और विचार से आचार आता है। तो सत्वगुण का आहार लेंगे तो सत्वगुण का विचार आएगा, और सत्वगुण का विचार से सत्वगुण का आचार एक्टिविटी कर पाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषयी अन्न खाइले दुष्ट भया मना, विषयी अन्न खाइले दुष्ट भया मना, दुष्ट भइले मना न कृष्णर स्मरण, दुष्ट भइले मना नहि कृष्णर स्मरण। तो विषयी अन्न खाइले दुष्ट भयो, तो विषयी एक दुराचारी व्यक्ति, एक अत्याचारी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, एक रजोगुणी में तमोगुणी में रहने वाला व्यक्ति के हाथ से बना हुआ खाना आप खाएंगे तो क्या होगा, मन जो है दूषित हो जाता है, और दूषित मन में कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो इसलिए कृष्ण का स्मरण करने वाले बहुत कम है, प्रचार हम प्रयास कर रहे हैं बहुत कम रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आहार हमारा शुद्ध नहीं, और हम भी ठीक से कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते हैं, इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। इसका मूल कारण क्या है, सत्वगुण का आहार नहीं। इसलिए आहार के ऊपर अधिक ध्यान देना आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस हमें करना है,
तो आहार को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए पहले ब्राह्मण लोग कहां पर भी नहीं खाते और किसका घर पे भी जाते थे तो स्वयं बना के खाते थे, और चंडाल के घर पे जनरल खाते नहीं। चंडाल मतलब थर्ड क्लास मीट ईटर्स, ओके, उनके घर पे खाना वो लोग खाते ही नहीं। क्यों? इसके कारण चंडल के तरह ब्राह्मण चंडल के घर पे क्यों नहीं खाएगा, मीट ईटर के घर पे क्यों नहीं खाएगा, क्यों खाएगा? वो मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं, उनके आहार लेगा तो वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा। ये लजिक है उसके पीछे, ये जात पात का विषय नहीं है, ऊंच नीच का विषय नहीं है, ये उच्च चेतना का विषय है। तो पहले के लोग जो जी रहे थे कुछ बड़ा के लिए जीते थे, आजकल लोग बड़ा पाव के लिए जीते, दही वड़ा के लिए जीते, बेंदू वड़ा के लिए जी रहे, ये बड़ा करते करते पेट बड़ा हो जाता है, ओके। वास्तव में बड़ा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो चेतना के लिए पहले लोग जीते थे, इसीलिए कहां पर खाना कहां पर नहीं खाना वो विचार करते थे। उनके जीने का लक्ष्य क्या है? बिग कॉन्शियसनेस, इसीलिए खाने का विचार करते। आजकल जीने का लक्ष्य क्या है? खाना ही खाना है, इसलिए किधर भी बड़ा पाव मिल रहा है, यहां पे सस्ता थोड़ा पटर बहुत बड़ा मिल रहा है तो वहां पे पैसा लेके हम खाते हैं। तो इसका कारण क्या है? गोल नहीं हमारे पास। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग पहले जो चंडाल है मीट ईटर्स है स्पेशल, उनके घर पे नहीं खाते, ये लॉजिकल है। इसलिए हमें भी इसको फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है। कॉन्शियसनेस ऊपर इफेक्ट करता है, आहार अधिक इफेक्ट करता है, क्योंकि आहार ही ऐसा एक चीज है जो कि 100% शरीर के भीतर जाता है, बाकी चीज शरीर के भीतर नहीं जाता। आपने सुना 100% गया नहीं, कुछ जाता है, वो भी कभी निकल जाता है पता नहीं चलता लेकिन आहार 100% शरीर में जाता है, और आहार में जो ज्यादा ग्रॉस मटेरियल रहता है वो पुरीस बनता है, पुरीस मतलब मल बनता है, स्टूल बनता है, उसमें जो सूक्ष्म चीज रहता है वो रक्त बनता है, और उससे जो सूक्ष्म चीज रहता है वो मन में विचार लाता है। ये आहार का प्रभाव, इसको मनुस्मृति में लिखा गया है, तो हम मनुस्मृति में पढ़ते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए जनरली आहार जो है हमें परफेक्टली और प्रॉपर वे में ग्रहण करना चाहिए। तो आहार मन को इफेक्ट किस प्रकार करता है? यहां पर भगवान कहते हैं सुख, एक प्रकार की सुख देता है मन को, प्रीति सैटिस्फेक्शन देता है। तो सुख और सैटिस्फेक्शन से तो सत्वगुण का आहार अत्यंत आवश्यकता है, और रजोगुण का आहार लेकर सैटिस्फेक्शन सुख प्राप्त नहीं कर पाए, चटपट सुख मिलेगा, चटपटा शांति मिलेगा, उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम खराब, उसके बाद कैंसर, उसके बाद डायबिटीज, बहुत सारा चीज हो आगे देखेंगे। प्रभुपाद जी इस पर्पण में कहते हैं पर्पज ऑफ ईटिंग फूड, क्यों खाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाइंग माइंड एंड फॉर बॉडी स्ट्रेंथ, इसके लिए जनरली आहार ग्रहण करना चाहिए। पर्पज ऑफ टेकिंग फूड फॉर हेल्थ, फॉर इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, फॉर प्यूरिफाइंग कॉन्शियसनेस, नॉट टेस्ट, स्वाद नहीं। जो स्वाद के लिए जीते हैं वो आध्यात्मिक जगत का स्वाद कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कृष्ण का संग का स्वाद प्राप्त नहीं कर पाए। तो आहार का जो गोल है स्वाद नहीं है, स्वास्थ्य है, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, जीवन का वर्धन, आयु का वर्धन, ये आहार का गोल है। देयरफॉर डोंट लिव फॉर ईटिंग,
बट ईट फॉर लिविंग. तो आज का गोल उल्टा है. पीपल आर लिव फॉर ईटिंग, दे डोंट ईट फॉर लिविंग. इसलिए पैसा खर्चा करते हैं, इसलिए आहार के लिए, टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए. फिर से पैसा खर्चा करते हैं मोटापा कम करते हैं, डिजीज कम करते हैं, पसीना बहाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और खाते हैं. फिर से जाकर जिम में पसीना बहाते हैं अपना शरीर को मोटापा का कम करने के लिए. मोटापा मतलब कुछ नहीं है, मोटापा का अर्थ कौस्तु, ठीक है. मोटापा का अर्थ क्या है? शरीर में फैट्स पड़ेंगे, और फैट को टप्पी भाषा में बोलेंगे शरीर में कचरा जमेगा, और कुछ नहीं. कोलेस्ट्रॉल हो कुछ भी, कोलेस्ट्रॉल तो पड़ता है, फैट जो बोलते हैं कचरा बोलते हैं, ओके ना, जो कि आवश्यकता नहीं है शरीर को, जो आवश्यकता नहीं है शरीर इसको क्या करता है, एक कोने में डाल देता है, चारों ओर डाल देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैट्स कहते हैं. तो इसलिए सत्वगुण का आहार हमें लेना है, और आहार का पर्पज क्या है, जीने के लिए और चेतना का वर्धन के लिए. Shall we kill animal for fats? Prabhupada जी कहते हैं फैट्स के लिए एनिमल को मारना है क्या? नहीं मारना है. मांस में फैट्स है, लेकिन सिविलाइज्ड वे में फैट प्राप्त करने के लिए भगवान ने मिल्क बनाया, दूध बनाया. तो मनुष्य मीन्स सिविलाइज्ड लाइफ, सभ्य जीवन जीने के लिए. इसलिए सिविलाइज्ड वे में दूध प्राप्त कर सकते हैं गाय से. तो मनुष्य को बुद्धि इसलिए दिया गया है कि सभ्य जीवन जीकर, बुद्धि लगाकर अपना जीविका को निर्वाह कर, सभ्य वे से, सिविलाइज्ड वे से, क्रूयल वे से नहीं. क्रूयल वे में तो पशु पक्षी जीते, बट मानवता से आपको फैट्स मिल सकता है. दैट इज एग्जाम्पल क्या है, गाय. और पहले गाय को पाला जाता था परिवार का एक सदस्य मानकर, और गाय का रक्षा करना परिवार का सदस्य से भी अधिक माना जाता था. कृषि गोरक्षा वाणिज्य, भगवान गोरक्षा का बात करते हैं, क्योंकि गाय हमें रक्षा करता है, फैट्स हमें देता है. इसलिए मिल्क जो है अत्यंत आवश्यकता है. तो एक बार अकबर ने कहा बीरबल को, अरे गाय दूध देता है. बीरबल बोले, गाय दूध देता ही नहीं. अकबर कंफ्यूज हो, गाय तो दूध देता है, आज तक मैंने सुना है, तुम बोल रहे गाय दूध नहीं देता है. तो बीरबल बोला, गाय दूध नहीं देता है, भैंस दूध देता है, गाय अमृत देता है. तो गाय का जो मिल्क है, जिसको हम दूध कहते हैं, वो दूध नहीं, वो क्या है, अमृत है. और उसको हम लेते हैं तो हमें अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि है, गाय का मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है, इसलिए उसको अमृत कहा जाता है. तो काउ इज नॉट गिविंग मिल्क बटर, नेक्टर. मिल्क इज फूड एज वेल एज मेडिसिन, आहार भी है और उसके साथ क्या है, औषध भी है. इसलिए हमें गाय का दूध ग्रहण करना चाहिए और गाय को केयर करना चाहिए, परिवार का एक सदस्य. तो उसी प्रकार पहले माँ, पहले परिवार का बालक माँ जैसे पालन किया जाता था, और इसलिए उसका दूध लेने के लिए हम अधिकारी बनते थे. और गाय के जो दूध है वो बछड़े के लिए भी है और जो पालन कर रहे हैं उनके लिए भी है. तो पहले गाय का दूध ऐसा नहीं कि पूरा निकाल देते, बछड़े को भी पिला देते, और उसके बाद जो बचता था परिवार के लिए देता था. तो पहले गाय अच्छा दूध देते और अच्छा खिलाते थे, प्रेम से खिलाते. तो इतना दूध होता था कि बछड़ा का भी पेट भरता था, और उसके साथ साथ बचा हुआ दूध बाकी जो बछड़े हैं, बच्चे हैं,
उनका पेट भरा जाता था। ये साइंस है। और इस प्रकार बछड़ा भी ज्यादा दूध पिएगा तो पेट में गुड़माल हो जाएगा उसको, इसलिए उसको थोड़ा दूध भी दे सकते हैं। ये भी साइंस है, केवल इलॉजिकल बात नहीं करना है। और उसके साथ साथ भगवान उसको रेकमेंड किए, कृष्ण स्वयं आके दूध पीते थे, दही खा लेते थे, बटर चुरा लेते थे। उनका लीला से भगवान ये बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए व्यक्ति। कृष्ण बनना है आप, कृष्ण कॉन्शियस बनना है आप, तो हमारा जीवन घी के आधार पर होना चाहिए, दही के आधार पर होना चाहिए, छाछ के आधार पर होना चाहिए, दूध के आधार पर होना चाहिए, आजकल कैडबरी के आधार पर, कुरकुरे के आधार पर। भगवान बचपन से ये सिखा रहे हैं हमें कि हमें क्या खाना है, कैडबरी नहीं खाना है, कुरकुरे नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना है, बटर खाना है, दूध पीना है, दही खाना है, घी खाना है। शास्त्र कहता है बिना घी से जो खाना रहता है वो खाना ही नहीं, और उसके साथ साथ जो खाना बनता है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा गया है जो खाना बिना भगवान को अर्पण करते हुए हम खाते वो खाना नहीं है, वो विष्ठा है। इस प्रकार बताया गया है। इसलिए एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, अर्पण करके खाना चाहिए। अर्पण करने की सुविधा नहीं है, जो भी खाना आता है भगवान को स्मरण करो, ठीक से मुंह में डाल के स्मरण मत करो। ओके, तो भगवान को ठीक से स्मरण करके हमें ग्रहण करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो आजकल वेगन वेगन चल रहा है मिल्क प्रोडक्ट के लिए, कि वेगन वेगन लोग तो मांस नहीं खाते हैं, तो उसके साथ साथ दूध भी नहीं पीते, क्यों, कुर्बानी बछड़े का दूध पी लेते हैं। बट एक प्रकार में ये सब ठीक है कि आजकल जिस प्रकार गाय से दूध निकाला जाता है वो क्रूएल वे में निकाला जाता है, और गाय का केयर भी पिता माता संतान जैसे नहीं किया जाता है, परिवार जैसे नहीं, परिवारिक सदस्य जैसे नहीं किया जाता है, एक प्रकार की फैक्ट्री के रूप में गाय को लिया जाता है, दूध बनाने वाला फैक्ट्री। इसलिए खाना भी दूध के लिए दिया जाता है, गाय का शरीर क्या होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो गौशालाएं भी रहता है तो अधिक ठीक से क्लीन नहीं रहता है, और अधिक गाय को रखा जाता है और मशीन से दूध निकालते हैं, जिससे कि कभी कभी ब्लड भी आता है। तो ज्यादातर जो पैकेज मिल्क इस प्रकार स्थिति में होता है, रूस मिल्क हम कहते हैं, तो वो भी क्या है, हिंसा ही है। इसलिए प्रॉपर मिल्क ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। तो वेगन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हो ठीक है करके, बट मिल्क लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि मिल्क किसके साथ लेना नहीं चाहिए, दूध सूप के साथ, लिक्विड ड्रिंक के साथ, साग के साथ, और ऑयल फूड के साथ, कुछ कुछ फूड्स के साथ, खट्टे आहार के साथ, नॉन वेज के साथ, मूंग के साथ, मूली के साथ मिल्क लेना नहीं चाहिए, इससे विरोध आहार, इससे विरोध आहार कहा जाता है, जिससे कि डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। ये सब बचपन से हमें सिखाया जाना चाहिए, आयुर्वेदा में सब कुछ लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य है ना हमारा माता पिता सिखाए, ना हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ना समाज में कहां पर सिखाया गया। ये परफेक्टली सब इसको रोग होने के बाद डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया दूध और ऑयल खा खा के, दूध के साथ तो नॉन वेज खा खा के, दूध के साथ तो सूप ड्रिंक एक साथ खा के डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फायदा क्या है? इसलिए ये सब पहले समय नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर मिश्रा करके एक डॉक्टर है दादर में, उसका यूट्यूब चैनल है मिश्रा वेद, तो उस उनका थोड़ा आप सुनिए, थोड़ा डिटेल्स में और लॉजिकल वे में आयुर्वेदा में श्लोक के साथ बताते हैं जो जनरल हमें चाहिए
डेली एक्टिविटी में डेली आहार ग्रहण करने के लिए जो जनरल नॉलेज है उनसे हमें सुन लेना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ उनसे मैं सुना, तो बीमार होने के बाद कुछ काम करना नहीं मिलता, ओके ना। तो यूट्यूब लेके मैं जनरल ये सब सुना, मेरे पास 5 घंटे का डेटा है केवल आहार के ऊपर बताने के, 5 आवर्स, ओके। तो मिल्क के साथ ये चीज नहीं खाना है, और मिल्क के साथ क्या ले सकते हैं, मैंगो, नहीं खट्टा वाला नहीं मीठा वाला, और मुना का काला काला मुना का किसमिस, किसमिस बोलते हैं, हनी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, माखन ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, ओके। कुछ कुछ चीज दूध के साथ ले सकते हैं, कुछ कुछ नहीं ले सकते हैं। हाउ टू एटेन प्रोटीन, फैट्स कहां से मिल गए, दूध से मिल गए, तो हाउ टू एटेन प्रोटीन, प्रोटीन कहां से मिलेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं सोयाबीन है, दाल है और वीट है, ये सब जो चीज है इससे हम जनरली प्रोटीन हमें मिल जाता है, इसलिए प्रोटीन के लिए भी मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। साल वी टेक रेमिनेंट्स, छोटा लेना चाहिए, छोटा किसका खाना नहीं चाहिए, तो छोटा खाना जो है आहार ये डार्कनेस इग्नोरेंस होता है, तो किसका भी छोटा नहीं लेना है। घर में जो परिवार है, पिता माता भाई बहन एक साथ एक थाली में बैठ के प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो भी बंद कर दीजिए, वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, वो डिजीज का आदान प्रदान है, उसको प्रेम बोलते हैं, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिता है माता है, बट शरीर तो शरीर है ना, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छोटा किसका लेना नहीं चाहिए, छोटा से बचना चाहिए। तो पहले तो घर पे पिता माता भाई बहन ही सिखा देते, आजकल तो पूरा कॉलेज में कैंटीन में जाकर ये थोड़ा वड़ा पाव खाएगी, वो थोड़ा मुंह में डालेगी, लेकिन उसको प्रेम देते, वो प्रेम नहीं है, थूक है, लेकिन नहीं हम थूक खा रहे हैं, थूक ले रहे हैं, बाद में डिजीज होगा ना, उसका कितना बॉयफ्रेंड है, इसका कितना गर्लफ्रेंड है, किसको पता, कितना मुंह में मुंह डाला क्या पता, और उसको हम खा रहे हैं, टेस्ट ज्यादा है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, जो झूठा लेना ही नहीं, और झूठा किसका ले सकते हैं, झूठा प्रभुपाद जी लिखते हैं एक प्योर डिवोटी का, गुरु का झूठा ले सकते। तो वास्तव में जो साधु है, वास्तव की बात कर रहा हूं मैं, ओके ना, वास्तव में जो साधु है, गुरु है, जो कि वैदिक नियम के अनुसार जीते हैं, जिसका चेतना शुद्ध है, उनका झूठा ले सकते हैं। तो पहले भगवान को अर्पण करना है, वो भगवान का झूठा हो गया, रेमिनेंट ऑफ गॉड, तो झूठा नहीं बोलते, वो प्रसाद बोलते हैं, ओके। तो बाहर का लोग खाने के बाद, साधारण लोग खाने के बाद जो चीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं, क्योंकि भगवान को अर्पण करने के बाद जो आहार हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। और प्रसाद लेंगे तो विषाद से बचे, रोग से बचे, और वो प्रसाद जब एक शुद्ध भक्त खा लेता है उसको क्या कहते हैं, महाप्रसाद। इसलिए रेमिनेंट्स महाप्रसाद जो है हम ले सकते हैं एक शुद्ध भक्त से, ओके। तो हनी भी फूल से मधु लेती है और अपना पेट में स्टोर करती है, और अपना हनी कॉम में जाके उल्टी करती है, झूठा हो गया। तो हनी जो है झूठा है, लेकिन उसको हम चाव से खाते हैं, जबरदस्त झूठा नहीं है, मीठा है। ये झूठा नहीं, क्या है, मीठा है। क्यों मीठा है, हनी भी प्योर है, मधुमक्खी प्योर है, इसलिए मधुमक्खी का झूठा खाते तो कुछ होता नहीं। वैसे ही जो साधु रहते हैं, प्योर साधु रहते हैं, हनी भी जैसे, उनका झूठा खाएंगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन मक्खी का झूठा खाएंगे, मक्खी किधर बैठ गया, जिस चावल में दाल में सब्जी में मक्खी बैठा है, तो क्या है, वो झूठा प्योर है नहीं, वो झूठा है, इम्प्योर है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हर मनुष्य जीवन में स्टूल खाए, मल खाए,
कैसे खाए? क्योंकि जिस खाना में मक्खी बैठता है उस खाना में क्या है? मली। क्योंकि मक्खी मल में बैठ के आई रही कहां पर? घूम घूम के, और घूम कर आकर आपका घर पे खाना में बैठ गए, तो उसमें भी क्या लग गया? मल लग गया। और उसको हम खाते हैं, जबरदस्त टेस्ट है यार। तो होटल का खाना टेस्ट लगता है ज्यादा, तो ज्यादा मक्खी रहता है। इट्स लाइक दैट। तो इसलिए मक्खी से बचा कर रखना चाहिए आहार। इसलिए हमारा शास्त्र कभी भी कहता है कि ठंडा खाना नहीं खाने का। क्यों? गर्म खाना क्यों खाना है? गर्म खाना में मक्खी बैठ नहीं सकते। लॉजिकल है, गर्म खाना में मक्खी बैठ नहीं सकता है, इसलिए गर्म खाना ही खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं। दैट इज द पॉइंट। 10 पॉइंट में बताऊंगा आपको आहार के ऊपर, ये 10 पॉइंट को ध्यान रख के हमें आहार लेना चाहिए। जीर्ण अस्नत, पहला पॉइंट, जीर्ण अस्नत। जो पहले हम खाना खाए हैं वो डाइजेशन होने के पश्चात ही दूसरा खाना लेना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, एक बार हम खाना खाते हैं तो पूरा डाइजेशन होने दो, खुलकर भूख लगने दो, उसके बाद दूसरा खाना खाना चाहिए, दूसरी बार खाना चाहिए, तब डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है और उसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब सत्वगुण का भी आहार लेंगे, लेकिन पहले से ही पड़ा है, पहले से डाइजेशन नहीं हुआ, फिर से हम ले लेते हैं तो उसका प्रभाव नेगेटिव होता है, रोग बढ़ता है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। जीर्ण अस्मत। सेकेंड है काले सत्म्यम, इट टाइमली, समय के अनुसार खाना चाहिए। तो शास्त्र कहता है सूर्य उदय का 3 घंटे के बाद हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। कहने का अर्थ है 9 बजे 10 बजे तक, 3 घंटा 4 घंटे के भीतर, तो पेट भर के लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन मॉडर्न सिस्टम, पहले हम भी गांव में थे, हमारा घर पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसा नहीं है। पहला खाना खाते हैं तो हमारा वो पेट भर के उठा, ऐसा नहीं ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाएंगे, पोहा उपमा नूडल्स, ये नहीं। क्योंकि मॉर्निंग में डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग रहता है, और जितना अधिक मॉर्निंग में आप खाएंगे, अधिक खा भी पाएंगे, तो आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि सूर्य उदय होते हैं और भीतर भी डाइजेस्टिव फायर जनरली बड़ा हुआ रहता है, और सूर्य उदय के साथ डाइजेस्टिव फायर रहता है, उसको हम ग्रहण करते हैं, समय पे खाना लेते हैं, तो डाइजेशन आसानी से शीघ्र होता है, उसे शक्ति मिलता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट थोड़ा पोहा, एक मेंदू वड़ा, ये सब खाएंगे तो क्या होगा, पेट भर के मॉर्निंग में खाना। उसके बाद दोपहर को भूख के अनुसार थोड़ा कम आहार खाना, और शाम को उससे भी कम। तो 2 टाइम ठीक है, बट 3 टाइम भी हम ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। आयुर्वेदा कहता है आपको भूख लग रहा है, 3 टाइम किया, 6 टाइम भी ले सकते हैं। आयुर्वेदा इस प्रकार के, वास्तव में आपको भूख लग रहा है तो 6 टाइम भी ले सकते, कभी भी भूख लगा खाओ, ये नियम है आयुर्वेदा के अनुसार। रात को 12 बजे भूख लग रहा है खाओ, लेकिन भूख नहीं लग रहा है चटपटा दिख रहा है इसलिए खाएंगे तो प्रॉब्लम, इसलिए टाइम भी हमें लेना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सूची, सूची हित, प्योर फूड लेना चाहिए, शुद्ध आहार और शुद्ध शरीर में स्नान करने के पश्चात, स्टोमक क्लियर होने के पश्चात, हाथ पैर धोने के पश्चात पेट भी शुद्ध होना चाहिए, जिस स्थान पर बैठ रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए, उसको कहते हैं शुचि हित। इस प्रकार लेते हैं तो क्या होता है, वो आहार सत्वगुण का इफेक्ट देता है, मन को शुद्ध करता है, रोग से हम मुक्त रहते हैं।
कितना डिटेल्स लिखा गया। ओके, सुची हित स्निग्ध, तो आहार में घी रहना जरूरी है, ओरिजिनल घी, डुप्लीकेट घी नहीं। गाय संसार में कम हो गया है, घी का प्रोडक्शन बढ़ गया है, मतलब क्या, सब माया है। जितना भी आपको घी चाहिए वो मार्केट में मिल जाता है, एग्जैक्टली वो घी नहीं, वो पामलिव ऑयल से बना है। रिसेंटली गुजरात से कुछ कुछ ब्रांड को पकड़ा गया है, मॉल में जो मिलता है वो भी डुप्लीकेट। मैं अभी कंफर्म हो गया है कि मार्केट में 80% जो घी मिल रहा है वो डुप्लीकेट है। मैं भी अभी जनरली कुछ ऑनलाइन से घी मंगा के खाया, मंगाने के बाद पता चला वो घी नहीं था, 10 दिन के बाद उसका स्मेल कुछ अलग आता है। घी मतलब 100 साल तक रहता है ओरिजिनल घी। इसलिए मार्केट का घी जो है 80% घी डुप्लीकेट है। आपको ओरिजिनल घी चाहिए तो दूध खरीद के लेके आओ, घर पे घी बनाओ और खाओ। मार्केट से घी खरीद कर घी सोचकर आप खा रहे हो, वास्तव में आप घी नहीं खा रहे हो, आप पॉइजन खा रहे हो, पेट खराब होगा, शरीर खराब होगा। शास्त्र कहता है घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कम होता है, और आप घी खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, मतलब क्या, वो घी नहीं खा। प्रभु जी ने ये ब्रांड का घी खा रहा था, ब्रांड छोड़ो यार, गाय गाय का ब्रांड है क्या, घी होना चाहिए। और ऑयल जो है वो भी प्योर ऑयल होना चाहिए। आजकल शरीर इसका भी ठीक नहीं, इसका मूल कारण है ऑयल हमारा प्योर नहीं। भारत का कोई भी ऑयल में गवर्नमेंट का लॉ है मोर देन 30%, लगभग 32-36% पाम ऑयल ऑयल मिला सकता है। इसे गवर्नमेंट ने नियम बने, ऑयल प्रोडक्शन कम है और समाज को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार नियम बनाया गया है, तो ये क्या है, दुर्भाग्य। इसलिए ऑयल भी प्योर होना चाहिए, और स्निग्ध रहेगा तो शरीर के लिए जो शक्ति चाहिए, क्योंकि जो घी है और जो ऑयल है वो डायरेक्ट क्या है, फायर है, लिक्विड फायर और कुछ नहीं। जलता है घी बोलते हैं ना, जलता है क्या, जलता है आग ही जलता है, तो घी कंप्लीटली जलता है, ऑयल कंप्लीटली जलता है। तो घी और ऑयल जो लेते हैं एग्जैक्टली हम फायर लेते हैं, फायर हम शक्ति लेते हैं। इसलिए आहार में आजकल जो नियम चल रहा है, अरे लेस क्या, विदाउट ऑयल, ठीक है, नो ऑयल, एक्चुअली आयुर्वेद उसको रेकमेंड नहीं कर रहा। ये मॉडर्न टर्म है, जो लोग नो ऑयल ये सब फॉलो करते हैं वो लोग हर पल बीमारी है। आप देखें बैलेंस आहार लेना है हमें, बट उसमें घी भी होना चाहिए, ऑयल भी होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है 42% घी आवश्यकता है एक सिंगल सेल बनाने के लिए, इसलिए घी की आवश्यकता है खाना। फिफ्थ पॉइंट है गिव अटेंशन, खाते टाइम ध्यान देके खाना, बातचीत करते हुए नहीं, मोबाइल देखते हुए नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, जो आहार खा रहे हैं उस आहार के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दी पॉइंट। तो एक बार एक हस्बैंड थे, ऑफिस से आए, खाना खाने के लिए बैठ गए, खाना खा रहे, टीवी देख रहे और चपाती खा रहे, दाल में डुबा कर खा रहे, और टीवी देखते देखते बीवी को बोल रहे, अरे तुम दाल में नमक डाल, दाल पूरा पानी पानी करो, ऐसा कैसे खाना बनाते हो, कितने बार बोला दाल ठीक से बना। बीबी पास में आए, सर को पकड़ा और बोला, तुम जो डुबा के खा रहे हैं, जो चपाती डुबा रहे ना, दाल में नहीं डुबा रहे, पानी में डुबा के खा रहे तो अटेंशन, और अटेंशन देंगे तो तृप्ति भी मिलेगा खाना, और उसके साथ साथ स्वाद का अनुभव भी हम कर पाएंगे। और अटेंशन देंगे तो चबा चबा कर भी हम खाएंगे। इसलिए आज जो हम खाना खाएंगे, आज जो प्रसाद अभी हम लेंगे,
प्रसाद लेते टाइम आज का स्पेशल क्या है, गिविंग अटेंशन, बातचीत करना नहीं कोई भी, प्रसाद हम बैठ के आज का सिस्टम के अनुसार लेंगे, ठीक है ना। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, अटेंशन। न अति द्रुतम, जल्दी जल्दी नहीं खाना, ये 6 पॉइंट है। पटापट खा लेते किधर जाएगा, पटापट खाएगा, जीवन मिला क्यों है, फटाफट खा के फटाफट नरक, फटाफट हॉस्पिटल, फटाफट डेथ, फटाफट आहार। सबसे जनरली मेन क्या है, स्वास्थ्य, लेकिन हम फटाफट के नाम पे फटाफट शरीर को ही खराब करते हैं। तो आयुर्वेदा कहता है कि फटाफट मत खाओ, न अति दुर्गम और न अति मंदम, अति मंद भी नहीं होना चाहिए, स्लो भी ज्यादा, ऐसा बैठ गया है 2 घंटे के बाद उठा, खाना खा के एग्जाम खत्म हो गए तब तक ठीक है। तो हमें अति द्रुत नहीं है, अति स्लो भी नहीं, मीडियम में हमें खाना है। तो आयुर्वेदा कहता है 20 to 25 मिनट मैक्सिमम आधा घंटे के भीतर हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। तो मेरी माँ जो है ना, हमारा घर पे खाते टाइम चबा चबा कर खाएगी और मोर लगभग आधा घंटा तक खाएगी, और मैंने देखा है हमारा घर में माँ को इतना बीमार नहीं, आज भी डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, मेरा खराब हो गया डाइजेस्ट सिस्टम, उसके बाद मैं डॉक्टर बन गया ओके तो मैंने देखा है अभी तक भी ऐसे खा रहे हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न अति द्रुतम और न अति मंदम, स्लो भी लेना नहीं चाहिए, ये जनरली 6 पॉइंट है। 7th है, ईट आफ्टर टेकिंग बाथ, स्नान करने के पश्चात हमें आहार लेना चाहिए, आहार लेने के पश्चात स्नान नहीं करना, खाना खाने के बाद स्नान नहीं करना, उससे रोग बढ़ेगा, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आपका पेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है पेट ठीक है तो शरीर ठीक है, पेट खराब है तो शरीर खराब है। तो 99% जो डिजीज से मुक्त हो सकते हैं जो पेट ठीक रहता है, और पेट कैसे ठीक रहेगा, जब ठीक से आहार खाएंगे और ये नियम के अनुसार। तो कलयुग में क्या है, ठीक से कोई खाता नहीं और नियम तो पता ही नहीं है ओके ना। तो इसलिए स्नान करने के पश्चात खाना चाहिए। तो कॉलेज से फटाफट आके बैठ जाते हैं ना खाने के लिए, स्कूल से आके बैठ जाते हैं, स्कूल कॉलेज से आने के बाद स्नान करो और उसके बाद खाना खाना, क्या बोल रहे, यस ओके ना। उष्ण गर्म खाना खाना चाहिए, अति उष्ण नहीं, उस जो कि आप सहन कर पाए, ऐसा नहीं हाथ भी जल गया जीवा भी जल गया और आप हॉस्पिटल में चला गया, तो इतना उष्ण नहीं होना चाहिए, तो वर्म खाना खाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइजेशन में वो अच्छा रहता है, दिस इज 8th पॉइंट। 9th पॉइंट क्वांटिटी, क्वांटिटी भी ध्यान रखना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि 50% आहार सॉलिड होना चाहिए, रोटी राइस ये सॉलिड आहार 50%, 25% लिक्विड होना चाहिए, जूस छाछ, और 25% खाली होना चाहिए। हमारा क्या 100% भर जाता है, उसका तो पानी जाके थोड़ा रुकता है, तो डाइजेशन कैसे होगा, ग्राइंडर देखा ना, ग्राइंडर में पूरा भर दिया मसाला और उसके बाद स्विच ऑन किया, तो ब्लेड घूमता ही नहीं है उधर ब्लेड घूमेगा नहीं, घूमने के लिए भी स्पेस चाहिए ना, इसे ग्राइंडर में कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं पानी, थोड़ा डालते हैं ब्लेड घूमता है, बाद में जनरली पेस्ट होता है, चटनी बनता है। तो वैसे ही खाना चाहिए,
पेट भर के पूरा बन दिया यहां तक आ गया तो डाइजेशन में तो 50% खाना खाना चाहिए, 25% तो 50% आपका सॉलिड होना चाहिए, 25% लिक्विड जिसमें कि दाल आता है सब्जी भी आता है, और 25% खाली होना चाहिए, वो खाली में हवा रहेगा तो इससे डाइजेशन ठीक ठाक होगा। लेकिन हम हमें कोई बताया नहीं है सर, 50 साल के बाद मरते टाइम नॉलेज आता है तो क्या होगा, सिस्टम ही खराब, ग्राइंडर ही खराब हो गया उसमें थोड़ा थोड़ा डालो ज्यादा डालो कुछ होगा ही नहीं, इट्स लाइक दैट। ये है 9 पॉइंट। तो 10 पॉइंट है हितभोग ऋतभोग मितभोग। हितभोग मतलब जो हितकारक है आपके लिए जो सूट करता है, किसको किसको तो कोई कोई आर सूट नहीं करता है शरीर का नेचर के अनुसार, बात कफ पित्त उसके अनुसार भी आहार खाना चाहिए, ये भी डॉक्टर मिश्रा बताता है, तो सुनो कभी आप समय निकालते। हितभोग मतलब हित के लिए जो आपके आपको सूट होता है, सप्तगुण का भी सूट होने वाला। और ऋतभोग जो ऋतु में मिलता है, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें लेना चाहिए, हर सीजन में हर चीज मिलना प्राप्त करना दिमाग लगा के बनाना, दैट इज एक्चुअली मूर्खता है। बुद्धि किस लिए दिया गया है, ऋतभोग के लिए, लेकिन आप बुद्धि किस लिए लगा रहे हैं, फ्लावर से लिए, बारिश का सीजन, ठंडी का सीजन में फ्लावर आ रहे खाओ, बारिश का सीजन में भी फ्लावर से उसके लिए दिमाग लगाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाएंगे और खाएंगे सब मरेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ऋतभोग और मितभोग, ऋतभोग मतलब पांडित जो कि हमने बताया, तो दिस इज एक्चुअली 10 पॉइंट। तो इस प्रकार हमें ये 10 पॉइंट को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, जीर्णासन, डाइजेशन के बाद ही खाना है, भूख खुलकर भूख लगने के बाद खाना है, टाइमली खाना है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट शुचि, प्योर होना चाहिए। फोर्थ स्निग्ध, घी और ऑयल होना चाहिए खाना में। फिफ्थ गिव अटेंशन। सिक्स नाति द्रुतम नाति मंदम। सेवेंथ ईट आफ्टर टेकिंग बाथ। एट उष्ण गर्म होना चाहिए थोड़ा। और नाइन्थ क्वांटिटी। और टेंथ हितभोग ऋतभोग और मितभोग, इसको ध्यान देकर हमें खाना चाहिए। अंत में पानी कभी पीना है, हमारा शास्त्र कहता है भोजन अंत विषम वाले, भोजन के अंत में पानी पीना मतलब क्या है, विष। खाना खाया उसके बाद 2 ग्लास पानी पी लिए तो आप खाना तो विष बना गया इस प्रकार। इसीलिए भोजन से पहले और भोजन से भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो प्रभु जी बीच बीच में अटक जाता है खाना तो क्या करेंगे, तो क्या उंगली मार के उसको दबा कर देंगे क्या, नहीं पानी पीना है थोड़ा पानी, एक घूट दो घूट, ऐसे अटक गया तो 2 ग्लास पानी पी लिया उसके बाद वो घुट जाएगा ही नहीं, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एक घूट दो घूट पानी पी सकते हैं, तो शास्त्र कहता है आधा ग्लास, आधा से थोड़ा ज्यादा खाते टाइम बीच बीच में आप ले सकते हैं, एंड में भी एक घूट पी सकते हैं। बट खाने के पश्चात 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटे के बाद आप पानी लीजिए, और दिन में जब प्यास लगता है तो पानी पीजिए। प्यास लगता है पानी नहीं पी रहे तो प्रॉब्लम है, और प्यास नहीं लग रहा है डॉक्टर ने बोला 3 लीटर पीने का 4 लीटर पीने, गिन गिन के लेकिन 4 लीटर हुआ नहीं है आज तो कंप्लीट करना, ऐसा नहीं है। प्यास लग रहा है आप पानी पीजिए, तो इससे आपका 3 लीटर तक हो जाता है। और कभी पानी पीना है खाना खाने का 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद, इस प्रकार आप ले सकते हैं। और जनरली कोल्ड वाटर लेना चाहिए, कोल्ड वाटर मतलब फ्रिज वाला नहीं, मटका का कोल्ड वाटर या नॉर्मल कोल्ड वाटर आप ले सकते हैं। और डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, आयुर्वेदा कहां कहां पर भी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो वार्म वाटर ले सकते हैं। ओके, आपका डाइजेशन सिस्टम के अनुसार किस प्रकार डाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये सब विचार करके हमें आहार ग्रहण करना चाहिए, तब जाके
आहार का जो सत्व प्रभाव है, रियल प्रभाव है, हमें मिलेगा। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन कष्ट स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। तो ये सब नियम को मानेंगे तो आयु बढ़ेगा, सत्व मन प्योरिफाई होगा, बल मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन ये नियम के बाहर सत्व गुण का आहार भी खाएंगे तो मिलेगा, इसलिए नियम का आप ध्यान। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे रजोगुण का आहार और तमोगुण का आहार, उसके बाद टिप्पणी स्टार्ट होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय।